प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मर्डी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, COVID-19 के अगेंस्ट हमारे लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है हाथ को बार बार अच्छी तरह से साफ करना। ये काम हम साबुन और पानी से भी कर सकते हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे पता लगा, लोग एकदम दुकानों में जाके सैनिटाइजर खरीदने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि थोड़े दिन में सैनिटाइजर का शॉर्ट सप्लाई बंद हो गया, मिलना ही मुश्किल हो रहा था। जो मिल रहा था दुगना या तीन गुना दाम में मिलने लगा। तो लोग मेरे से पूछने लगे, डॉक्टर साहब क्या सैनिटाइजर से ही हाथ करना जरूरी है? तो दर्शकों, मैं ये बोलना चाहती हूँ, साबुन और पानी जहां पे भी मिले आप जरूर साबुन और पानी से ही हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि साबुन और पानी से हाथ धोना अच्छी तरह से सैनिटाइजर के इस्तेमाल करके साफ करने से ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो पर जब हाथ में हाथ धोना अगर इतना अच्छा है तो कुछ बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक तो हाथ को धोते वक्त दोनों तरफ, उसके बाद उंगलियों के बीच में अंगूठा साफ करना और रिस्ट को साफ करने के साथ साथ जो नाखून के नीचे वो भी अच्छी तरह से रगड़ के साफ कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जब आप हाथ धोने लगते हैं, हाथ को पहले गीला कीजिए, फिर टैप को बंद कीजिए और उसके बाद अच्छी तरह से रगड़ के धोना शुरू कर दीजिए और एंड में फिर टैप खोल के हाथ धो लीजिए। बीच में टैप को खुला मत रखिएगा, क्योंकि पानी का बचत करना भी हमारा फर्ज बनता है। सेव वाटर इज ऑल्सो माई मैसेज टूडे। तो इसके साथ साथ एक बात और का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि जैसे आप हाथ धोते वक्त अगर कोई अंगूठी पहना है तो उसको उतार दीजिए। इसलिए बार बार हाथ धोते वक्त बहुत सारे अंगूठी पहनेंगे तो उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कम से कम या ना पहन लीजिए या एक आधा अंगूठी पहन लीजिए, बहुत जरूरी है तो उसको उतार के साफ कीजिए। अदरवाइज उसके नीचे भी कीटाणु हो सकते हैं और आपका हाथ धोने का मकसद पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हाथ धोने के बाद साफ तौलियों से हाथ का सफाई कीजिएगा, ड्राई कीजिएगा हाथ को। अगर नहीं है आपके पास साफ तौली साथ में, तो आप एयर ड्राई कीजिएगा। फॉरेन कंट्रीज में डिस्पोजेबल जो पेपर टॉवल, उसका इस्तेमाल से साफ करना बेहतर मानते हैं, पर इंडियन सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम साफ तौलियों का इस्तेमाल करें या आप एयर ड्राई अपना हाथ को कर सकते हैं। पर सैनिटाइजर का क्या यूज है? जब भी आपको जिस भी जगह में, जरूर आप सैनिटाइजर अपने साथ रखिएगा। जहां पे भी आपको पानी अवेलेबल नहीं है उन जगहों में आप सैनिटाइजर का यूज कीजिएगा। सैनिटाइजर यूज करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर में एटलीस्ट 60% अल्कोहल कंटेंट होना बहुत जरूरी है। WHO ने रेकमेंड किया है एटलीस्ट 60% अल्कोहल कंटेंट होना। इसलिए जब भी आप सैनिटाइजर करेंगे, आप खुशबू पे मत जाइएगा, आप जरूर चेक कीजिएगा कि उसमें अल्कोहल कंटेंट है कि नहीं है। जैसे ये सैनिटाइजर मैंने 6 महीने पहले खरीदा था, इसमें अब पढ़ के देख रहे हो इसमें कोई अल्कोहल है ही नहीं है, और ये सैनिटाइजर में अल्कोहल कंटेंट 70% है। सो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो तरह का सैनिटाइजर अल्कोहल नॉन अल्कोहल बेस्ड होते, इसको पहले चेक करके खरीद लीजिएगा खरीदते वक्त, क्योंकि अब सैनिटाइजर का डिमांड बहुत बढ़ गया है। कई कंपनियां अल्कोहल कंटेंट या कम डाल रहे या उसके ऊपर लिखते ही नहीं है, इसीलिए चेक करके सैनिटाइजर को खरीदना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये सैनिटाइजर या अच्छी तरह से साबुन और पानी से हाथ धोने से सिर्फ हम COVID-19 से नहीं बच सकते, अपने आप को बचा रहे, और भी 10-15 तरीके का बीमारी है जो बैक्टीरिया वायरसेस से फैलता है, जैसे टाइफॉइड है, उनसे भी हम बच सकते हैं। ये हमेशा हमारा जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहिए, हाथ को बार बार हाथ को धोना, वॉशरूम यूज करने के बाद हाथ धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, कुकिंग करने से पहले हाथ धोना, कोई भी गंदे सरफेस को टच करने के बाद हाथ धोना हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसलिए दोस्तों, हम सब ये छोटे छोटे बात को ध्यान में रखते हुए, ये जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है COVID-19 के लड़ाई, जो हैंड वॉशिंग है, इसको या हैंड को सैनिटाइजर के साफ करना, इसको हम सही तरीके से करें और इस युद्ध में हम विजयी होके निकले, और बहुत जल्दी विजयी होके निकलेंगे। इस
पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।